अस्सलाम वालेकुम क्लास शहादम, कैसे हैं आप सब? सब बच्चे अपनी अपनी उर्दू की बुक्स ओपन करें। आज का हमारा सबक है तस्वीरी कहानी लिखिए, मतलब हमारे लेसन का नाम है आइए माहौल को साफ रखें। तस्वीरी कहानी लिखिए मतलब ये तस्वीर से देख के हमने कहानी लिखनी है, जैसे हिदायत हमें यहाँ पे दी है। हर तस्वीर को गौर से देखिए, मददगार अल्फाज पढ़िए, किरदारों के नाम सोचिए, हर तस्वीर के साथ चंद जुमले लिख कर कहानी मुकम्मल कीजिए, अपनी मर्जी का उनवान दीजिए। अब यहाँ पे उन्होंने बोला मददगार अल्फाज पढ़िए, मददगार अल्फाज जैसे कि ये यहाँ पे आपको दे दिए, सैर का प्रोग्राम, झील, लुत्फ आना, पुरसकून माहौल, खुशगवार मौसम। अब इन अल्फाज को हम की मदद से हमने अपनी कहानी बनानी है। तो हमें पिक्चर में सिंपली हमें क्या नज़र आ रहा है, पहले ये देख लेते हैं कि एक तस्वीर के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि एक झील है, उसमें कुश्तियाँ चल रही हैं, पानी साफ सुथरा पुरसकून माहौल है, अच्छा मौसम है, बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे दो एक लड़का और एक लड़की बैठे हैं, ठीक है। अब फिर इन्होंने यहाँ पे खूब खेला, खाया पिया, और जितना भी वहाँ का खेलने के बाद या खाने पीने के बाद उनका कचरा या था उन्होंने वहाँ पे फैला दिया, कूड़ेदान में नहीं फेंका, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि एक मछेरा है, मछेरा कहते हैं जिसे जो मछलियाँ पकड़ते हैं, ठीक है। जो देखें वो मछलियाँ पकड़ रहा है, लेकिन पानी गंदा हो गया, यहाँ पे हर जगह कचरा ही कचरा पड़ा हुआ है। और नीचे इस तस्वीर से मुतल्लिक हमें क्या हाइलाइट्स उन्होंने दिए हैं, माहौल की सफाई से लापरवाही, ठीक है, लापरवाही मतलब ख्याल ना रखना, कुदरती माहौल का ख्याल ना रखना, कूड़े से पानी का आलूदा यानी गंदा होना, मतलब आलूदा गंदा होना, आबी हयात यानी समंदर में या दरिया में रहने वाली जो मखलूक होती है ना, जो चीज़ें रहती हैं जैसे मछली वगैरह, वो आबी हयात होती हैं, यानी पानी के जानवरों की जानों को खतरा, ठीक है। नीचे आ जाता है, अब इस पिक्चर में क्या आ गया है कि अब यहाँ पे बच्चे देख रहे हैं हमने क्या कर रहे हैं, वो कूड़ा उठा रहे हैं, जमा कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे हाइलाइट्स हमें क्या दिया, बच्चों का अपनी गलती मान लेना, गलती से पैदा होने वाली खराबी को दूर करना, गंदगी के मसले को हल करना। अब हम इस सब से एक अपनी कहानी बनाएंगे। आ जाते हैं हम अपनी कहानी की तरफ। यहाँ पे जैसे मैंने लिखी है, आपने मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, जमात का काम, ठीक है, तारीख, दिन, उनवान क्या है, आइए माहौल को साफ रखें। अब हमारी कहानी शुरू करते हैं। अब वहाँ पे दो किरदार थे हमें, जैसे कि एक किरदार कौन से थे देख लेते हैं पहले, ये दो किरदार, ठीक है, और ये दो किरदार। अब हमने इनके नाम भी रखने हैं, ठीक है, मतलब चार किरदार हैं हमारे पास। तो इस लड़की का नाम हमने ज़ारा रख लिया, इसका नाम अली रख लिया, और ये इनके अम्मी और ये अब्बू, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ, ज़ारा, अली, अम्मी और अब्बू ने सैर पर जाने का प्रोग्राम बनाया, ठीक है। वो सब सैर के लिए झील पर गए, वहाँ जाकर ज़ारा और अली खूब खेले और वहाँ के पुरसकून माहौल से लुत्फ़ानंदोज़ हुए। लुत्फ़ानंदोज़ मतलब उन्होंने काफ़ी इंजॉय, जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं इंजॉय करना या मज़ा आना, ठीक है। उनके अम्मी और अब्बू ने भी झील के पुरसकून माहौल और खुशगवार मौसम से बहुत लुत्फ़ानंदोज़ हुए। वहाँ ज़ारा और अली ने खूब खेला और साथ में खूब खाने पीने की चीज़ें भी खाई। वो दोनों चीज़ें खाते और कचरा कूड़ेदान में फेंकने की बजाय वही झील के किनारे फेंक रहे थे। वहाँ उनके अलावा और भी बहुत से लोग सैर के लिए आए हुए थे और उन सब लोगों ने भी वहाँ कचरा खिलाकर वहाँ की खूबसूरती को ख़राब किया हुआ था, ठीक है। जब बच्चों ने वहाँ मौजूद एक मछेरे को मछली पकड़ते देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि हमने यहाँ की खूबसूरती और झील के पानी को आलूदा कर दिया है और उन सब की लापरवाही से माहौल में आलूदगी हो रही है और कूड़े से झील का पानी गंदा हो गया है, जिसकी वजह से पानी में मौजूद आबी हयात मैंने बताया पानी में जो मखलूक होती है जैसे मछलियाँ वगैरह की जानों को खतरा लाहक है। आखिर बच्चों ने अपनी गलती मान ली और उनकी गलती से पैदा होने वाले उन मसाइल को हल करने का सोचा और फिर उन सब बच्चों ने मिलकर वहाँ की सफाई की और सारा कचरा कूड़ेदान में डाला और फिर खुशी खुशी घर आ गए, ठीक है। अब यही स्टोरी आपने भी अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन करनी है और राइटिंग नीट रखनी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।